नमस्कार, मैं स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भंडारा से शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। मोहाड़ी तहसीलदार द्वारा अवैध उत्खनन और वाहनों को रोकने के लिए भरारी पथक का स्थापन। भंडारा जिला के मोहाड़ी तहसीलदार नवनाथ काटकड़े द्वारा अवैध उत्खनन और वाहनों पर रोक लगाने के लिए भरारी पथक का नया उपकरण लागू किया गया है। यह भरारी पथक 5 फरवरी से 31 मार्च तक मोहाड़ी तहसील में चलाया जाएगा। इस भरारी पथक में मंडल अधिकारी, 2 पटवारी, मोहाड़ी तहसील के लिपिक और मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस का समावेश रहेगा। रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इस प्रकार अलग अलग भरारी पथक काम करेगा। भरारी पथक यह तहसील कार्यालय से 24 घंटे संपर्क में रहेगा। यह भरारी पथक इसलिए तैयार किया गया है कि मोहाड़ी तहसील में आने वाली सभी घाटों पर अवैध उत्खनन वाहनों द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण शासन का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। इस भरारी पथक द्वारा अवैध वाहन तथा रेती चोरी माफिया पर अंकुश लगाया जा रहा है। यदि कोई घाट पर सील किया गया रेती चुरा रहा हो तो वह GPS द्वारा तहसील में लगे कैमरों में कैद हो जाएगा, जिसके वजह से रेती चुराने वाला तथा रेती वाहन पर कार्यवाही की जा सकती है। इस भरारी पथक द्वारा काफी मात्रा में रेती चोरी माफिया पर अंकुश लगाया जा रहा है। भंडारा जिला के मोहाड़ी तहसीलदार ने रेती चोरी माफिया पर अंकुश लगाते हुए शासन का महसूल बचाने का प्रयास किया। बीएस क्राइम इंडिया द्वारा भरारी पथक उपक्रम चलाने के लिए नवनाथ काटकड़े को सलाम करता है। सर, आपने एक भरारी पथक शुरू किया है, नया उपक्रम। उस उपक्रम द्वारा जो डंप किए गए माल पर अवैध तरह से रेती चोरी प्रकरण चालू है, तो उस पर आपकी देखरेख है। अगर उस डंप किए गए माल को कोई अगर चोरता है तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? मोहाड़ी तालुक्यात आपण 5 तारखेपासून भरारी पथकाची नियुक्ती केलेली आहे। ज्या ठिकाणी साठा आहे त्या ठिकाणी आपण पोलीस स्टेशन मुख्यालयाला जे आहे त्यांना पण पत्र दिलेलं आहे आणि संबंधित पोलीस स्टेशनला पण पत्र दिलेलं आहे की त्या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवावा। त्या व्यतिरिक्त GPSद्वारे आपण ज्या अवैध रीती साठवून कोणताही ट्रक जर माल घेऊन जात असेल तर त्याचे ट्रॅकिंग केले जाते। त्यानंतर MLRC नुसार संबंधित व्यक्तीला नोटीस देऊन त्याचं म्हणणं ऐकून संबंधिताविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाते। त्यामुळे माझ्या तालुक्यातून चोरी करून रेती जाईल असं मला वाटत नाही। सर, अभी तक ऐसी भरारी पथक जो 5 तारीख से सुरू हुआ है तो ऐसी कितनी कारवाई अभी तक हुई है? असं माझ्या तालुक्यामध्ये 6 ते 7 ठिकाणचं मी डंपिंगचं कारवाई केलेली आहे आणि यासाठी मला पोलीस विभागाचं मोलाचं सहकार्य आहे। मी प्रत्येक दिवशी प्रत्येक ठाणेदाराकडून 2 कर्मचारी मागवतो आणि त्या 2 कर्मचाऱ्यांमार्फत पूर्ण तालुक्यामध्ये माझं भरारी पथक फिरते आणि ज्या कोणाच्या काही तक्रारी येतात त्यावर मी तत्काळ कारवाई करतो। सर, ये जो माल डंप किया गया है उसकी नीलामी भी निकाली गई है? हा जो मुद्दा है तो वरिष्ठ स्तरावर आहे आणि मी याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला आहे।